हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं थियोडोलाइट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का। थियोडोलाइट हमारा कौन कौन से पार्ट्सों को मिलाकर बनाया गया है, किस पार्ट्स का नाम क्या है, लेकिन हम इसको समझेंगे आज कुछ खास नए अंदाज में। नया अंदाज क्या है हमारा कि हमने थियोडोलाइट का, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत मेहनत की गई है कि 2D डायग्राम भी बनाया है इसका, हमने 3D डायग्राम भी बनाया है और साथ के साथ हमारे पास थियोडोलाइट भी अवेलेबल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्लास हमारी कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोरेटिकल नॉलेज सब हमारे पास आज अवेलेबल है। अगर इस लेक्चर को आप ना स्किप करें, पूरा कंप्लीट देखते हैं, तो मैं नहीं समझता इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी थियोडोलाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बाकी बचेगी। तो देखिए लेक्चर को विदाउट स्किप करें, और लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये सब जो आप करते हैं लाइक कमेंट एंड शेयर, ये सब हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और आपके साथ लगकर आपको मैक्सिमम नॉलेज फॉरवर्ड कर सकें। तो स्वागत है आपका नराना कोचिंग क्लासेस में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका नाम क्या है। तो देखिए हमारा जो थियोडोलाइट आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ये थियोडोलाइट बेसिकली तीन असेंबली को जोड़कर बनाया गया है। तीन असेंबली कौन कौन सी, सबसे लोएस्ट असेंबली हमारी, यहां से चलते हैं स्टार्ट करते हैं, सबसे निचला हिस्सा हमारा यानी बॉटम मोस्ट असेंबली हमारी कहलाती है लेवलिंग हेड असेंबली। इसके ऊपर की हमारी जो बीच की असेंबली है उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल सर्किल असेंबली। तीसरी हमारी जो सबसे ऊपर वाली असेंबली यानी टॉप असेंबली जो हमारी है उसे हम कहते हैं एलिडेड असेंबली। यानी ये हमारी तीन असेंबली को मिलाकर बनाया गया है। तो बात करते हैं सबसे निचली असेंबली से कि लेवलिंग हेड असेंबली में आखिर कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनकी लोकेशन आप थियोडोलाइट में भी साथ के साथ देखते जाएंगे। तो देखिए लेवलिंग हेड असेंबली में सबसे पहला हमारा होता है क्लैंपिंग नट, जो सबसे निचला हिस्सा यानी जिसके मदद से हम क्या करते हैं ट्राइपॉड पर थियोडोलाइट को कसते हैं। तो लेवलिंग हेड असेंबली सबसे पहला है हमारा क्लैंपिंग नट, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं सबसे निचला हिस्सा जो यहां पर हमें नट होता है, जिसके थ्रू हम लेवलिंग हेड इसको ट्राइपॉड पर हम क्या करते हैं थियोडोलाइट को कस देते हैं, उसको कहते हैं क्लैंपिंग नट। आगे कौन सा है, आप आगे देख रहे हैं यहां पर एक आपको ट्रायंगुलर प्लेट नजर आ रही है, नीचे ब्लैक कलर की वाली प्लेट हमें नजर आ रही है, इस प्लेट को कहते हैं ट्राइवेट। यानी ये इस प्लेट का नाम क्या है ट्राइवेट। तो हमारा लेवलिंग हेड असेंबली दूसरा पार्ट है ट्राइवेट। उसके बाद आप देखें यहां पर आपको फुट स्क्रू नजर आ रही है, जो स्क्रू है ये जो आप देख रहे हैं ये जो घूम रहे हैं यहां पर, ये स्क्रू हमारे कहलाते हैं फुट स्क्रू। और ये हमारे यहां पर आप देखें फुट स्क्रू यहां पर कहां है, देखें आप यहां पर 3D में तो आए हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक हमारा क्लैंपिंग नट, उसके ऊपर हमारी जो प्लेट है ट्राइवेट, उसके ऊपर जो हमारी ये रेड कलर में दिखा रखी है ये वाली, आप देखें यहां से जो रेड कलर की जो ट्रायंगुलर प्लेट है, कौन सी वाली, ये वाली ऊपरी ट्रायंगुलर प्लेट, इसे हम कहते हैं ट्राइवेज। यानी नीचे वाली ट्राइवेट, नीचे वाली ट्राइवेट, बीच में फुट स्क्रू जिसके मदद से हम इसको चलाकर लेवलिंग करते हैं, और उसके ऊपर हमारा है ट्राइवेज। यानी कि आप 2D में चलें ट्राइवेट, ट्राइवेज और फुट स्क्रू, लेवलिंग हेड असेंबली में क्लैंपिंग नट, ट्राइवेट, यहां प्रैक्टिकली देखें लेवलिंग हेड असेंबली हमारी सबसे लोएस्ट असेंबली, इतनी असेंबली लेवलिंग हेड असेंबली है, और इसमें हमने क्लैंपिंग नट, ट्राइवेट, फुट स्क्रू और ट्राइब्रेज, ये हमने इतने पार्ट कंसीडर करते हैं किसी भी थियोडोलाइट में लेवलिंग हेड असेंबली के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसकी मिडिल असेंबली कौन सी, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली, कौन कौन से हिस्से होते हैं उसके। तो देखें जरा हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा प्लेट बबल। प्लेट बबल का मतलब क्या है, प्लेट बबल ट्यूब। तो आप देखें यहां पर आपको एक प्लेट बबल नजर आ रही है, हमारी प्लेटें हैं और प्लेट बबल नजर आ रही है यहां पर। तो ये प्लेट बबल हमारी लगी होती है कहां पर, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में, हॉरिजॉन्टल सर्किल जो हमारे ये हैं ऊपर यहां पर लगी हुई होती है। तो इस ट्यूब का जो आपको ऐसे नजर आ रही है, जहां मैं मार्कर टच कर रहा हूं, ये हमारी है प्लेट बबल कहलाती है ये। अब देखें यहां पर डायग्राम में भी देख लें कहां पर प्लेट है, ये आप देख रहे हैं प्लेट बबल। हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली कौन सी है, यहां से यानी जहां हमारी ट्राई व्रेज खत्म हुई थी उससे ऊपर ये इतनी असेंबली हमारी जो बीच की असेंबली है, ये हमारी असेंबली कहलाती है हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली, जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट है बबल ट्यूब यानी प्लेट बबल। तो प्लेट बबल आप देख रहे हैं हमारी ये प्लेटें लगी हुई हैं, एक लोअर प्लेट है, एक अपर प्लेट है और एक हमारा प्लेट बबल लगा हुआ है। 3D में आपको यहाँ ग्रीन कलर में जो नजर आ रही है वो प्लेट बबल है, 2D में आपको जो ग्रीन कलर की यहाँ पर आप गोल ट्यूब नजर आ रही है वो प्लेट बबल है, और प्रैक्टिकली आप देख लें आपके पास ये प्लेट बबल होती है।
दूसरा कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट हमारा स्टैंडर्ड ए ब्रैकेट। आप देख रहे हैं यहां पर एक ए से ए शेप का हमारा यहां पर एक ब्रैकेट नजर आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। तो ये जो स्टैंडर्ड है कहां पर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली के अंतर्गत ये हमारे स्टैंडर्ड्स आते हैं जिन्हें हम ए ब्रैकेट ए शेप का होता है, यानी ये वाले जो हमारे हिस्से हैं किसमें आते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में इनको हम लेते हैं। दूसरा अब आता है हमारा अपर प्लेट। अपर प्लेट आप देखें जरा यहां से, पहले यहां समझे, अपर प्लेट आप देख रहे हैं कि यहां पर एक नीला कलर का बहुत बड़ा एक स्पिंडल सा हमें नजर आ रहा है ये वाला, और एक हमें नजर आ रहा है ब्लैक कलर का। तो अपर प्लेट कौन सी है? ये हमारी हॉरिजॉन्टल सर्किल प्लेट है, हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट है ये, और जो ऊपर ब्लैक वाली प्लेट है वो ब्लैक वाली प्लेट जिस पर हमारी प्लेट बबल लगी हुई है उसे हम कहते हैं अपर प्लेट कहते हैं इसको। तो ये हमारी अपर प्लेट है और अपर प्लेट के नीचे होती है लोअर प्लेट। यहां पर देखें ब्लू कलर से बनी हुई है, यहां पर जो ब्लू कलर का हिस्सा है ये सारा का सारा क्या है, हमारा अपर लोअर प्लेट का हिस्सा है। और जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं सारा का सारा जो यहां पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है 2D डायग्राम में, तो ये हमारा है अपर प्लेट और ब्लू कलर की है लोअर प्लेट। अपर प्लेट ब्लैक कलर, ब्लू कलर लोअर प्लेट। तो यानी हमारी ये जो अपर प्लेट है और लोअर प्लेट ये किसके अंदर आती है, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली के अंतर्गत आती है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आप देखें कि ये वाली जो हमारी ऊपर की प्लेट है ये हमारी अपर प्लेट है और नीचे का हिस्सा जो है ये हमारा लोअर प्लेट का है। तो देख रहे हैं आप अलग अलग चल भी रही है ये, तो यहां पर ये ऊपर वाली अपर प्लेट और नीचे यहां पर जो लगी हुई हमारी कौन सी है, लोअर प्लेट कहलाती है। तो दो हो गई हमारी कौन सी, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, और क्या हो गया, प्लेट बबल। तो तीन पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली, अब प्लेट बबल, स्टैंडर्ड, अपर प्लेट, लोअर प्लेट। साथ के साथ क्या होता है, इनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम, जैसे हम जानते हैं कि गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, ब्रेक, इसी तरह से इसी सर्किल जो असेंबली है यानी जो सर्किल असेंबली हमारी मूव कर रही है इस तरीके से, यानी अपर प्लेट हमारी इस तरीके से मूव करती हैं, इनके कंट्रोल करने के लिए, इनका जो मूविंग जो हो रही है, इसका जो घूम रही है ये, इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्लैंप स्क्रू लगाते हैं। तो यहाँ पर अपर प्लेट क्लैंप स्क्रू आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो अपर प्लेट है हमारी, देखें जरा यहाँ पर आप जो हमारी ये लोअर, इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसे इस तरीके से देखें, जरा टेक्निकल टीम देखिए ये लोअर हिस्सा और अपर हिस्सा दिखाई दे रहा है पूरा इसमें। तो ये हमारा जो अपर हिस्सा है ये हमारा क्या, अपर पार्ट। तो अपर ये जो स्क्रू है वो अगर मैं यहाँ पर कस देता हूँ तो ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आप देखें बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट लॉक हो गया, क्योंकि मैंने दोनों अपर वाला और लोअर वाला दोनों ही क्लैंप कर दिए। तो अगर मैं लोअर वाला ढीला कर दूंगा तो हमारा इस तरह से मूव करने लगेगा। अब मैं अपर लोअर वाला कस दूं और अपर वाला ढीला कर दूं, ऊपर वाला हिस्सा घूमने लगा, नीचे वाला अब नहीं घूमेगा। आप देख रहे हैं मैं यहां पर चलाने की कोशिश कर रहा हूं पर नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि जो प्लेटों के जो मूवमेंट हो रहे हैं उन प्लेटों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हर प्लेट का अपना एक क्लैंप स्क्रू होता है, अपर प्लेट का अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर प्लेट का लोअर क्लैंप स्क्रू। साथ के साथ यहाँ पर स्लो मोशन स्क्रू भी लगे रहते हैं, स्लो मोशन स्क्रू का काम होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लो मोशन स्क्रू भी हैं। एक स्क्रू यहाँ पर हमारा स्लो मोशन आपको नजर आ रहा है और एक स्क्रू हमारा स्लो मोशन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो जो ये स्लो मोशन स्क्रू है, दो स्क्रू हैं इसके अंदर, एक अपर प्लेट के लिए और एक लोअर प्लेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर तो ओवरऑल कितने हो गए, दो क्लैंप, दो स्लो मोशन, दो प्लेट है, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्लो मोशन स्क्रू का। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में हमारे इतने पार्ट्स होते हैं, साथ के साथ कुछ माइनर पार्ट्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ये रीडिंग पढ़ने के लिए यहाँ पर हमारे लेंस लगे होते हैं और यहाँ पर सेंटरिंग करने के लिए हमारे पास एक टेलीस्कोप भी लगी रहती है, मिनी टेलीस्कोप यहाँ पर लगी हुई है ये। तो ये भी हमारे पार्ट्स इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली के अंतर्गत आते हैं। तो दो असेंबली हमारी कंप्लीट हो गई, कौन कौन सी, तो लेवलिंग हेड असेंबली और एक हमारी हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली, हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। यानी ये हमारे पार्ट्स थे और हमने एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। मैं दोबारा से एक बार फिर रिवाइंड करता हूं, ट्राइवेट फुट स्क्रू, ट्राइवरेच, अप लोअर प्लेट क्लैंप, अपर प्लेट क्लैंप, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, प्लेट बबल, ये हमारी लेंस रीडिंग पढ़ने के लिए, ये हमारी सेंटरिंग करने वाली टेलीस्कोप, तो ये हमारे, और ये हमारा स्टैंडर्ड ए ब्रैकेट। तो ये हमारे हिस्से हैं जो इस थियोडोलाइट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं टॉप मोस्ट असेंबली यानी कि लेवलिंग हेड असेंबली, सॉरी एरिडे असेंबली की हम बात करते हैं कि सबसे ऊपर की जो हमारी असेंबली है वो एरिडे असेंबली कहलाती है। तो कौन कौन से हिस्से आते हैं उस एरिडे असेंबली के अंदर, तो सबसे पहले देखिए एरिडे असेंबली को, यहां से मैं सब समझा चुका, ये हो गया ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये सारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम यहां पर, तो आप देख रहे हैं एरिडे असेंबली के अंतर्गत हमारा क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो टेलीस्कोप कहां पर है, ये नजर आ रही है आपको, ठीक है। दूसरा हमारा आता है
ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ समझ में नहीं आता, ये है हमारा वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल यूज क्या है, क्या काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी सिर्फ इस क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स, कौन सा पार्ट हो क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल सर्किल, जो कि ये लगा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक वर्टिकल गोल सर्किल सा नजर आ रहा होगा आपको, देखें यहाँ पर वर्टिकल सर्किल नजर आ रहा है ये तो। और दूसरी ये उसके साथ में क्या है, हमारे टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप और ये हमारा वर्टिकल सर्किल लगा हुआ है। अब देखें टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्किल के साथ साथ एक और बबल ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बबल ट्यूब है और आपको मिरर भी नजर आ रहा होगा जो कि इस तरीके से चल सकता है। देखें जरा टेक्निकल टीम दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है इसमें, ये हमारा क्या है बबल ट्यूब, जो मिरर लगा हुआ है बबल ट्यूब को नीचे। अगर कोई मान लो सपोज करो इंजीनियर साहब की हाइट है छोटी, तो इंजीनियर साहब हाइट छोटी अगर है तो दिखाई कहाँ देगा, वो पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें फिर, लेबलिंग तो उन्हें भी करनी है भाई, इंजीनियर साहब वो भी तो ट्राइपॉड नीचा नहीं कर सकते इतना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस केस में इंजीनियर साहब क्या करेंगे, यहाँ से इस मिरर में देख लेंगे और इसकी लेबलिंग हम कर सकते हैं आसानी से। तो वर्टिकल सर्किल हमारा ये है, ये हमारी बबल ट्यूब लगी हुई है, पर इस बबल ट्यूब का नाम है एल्टीट्यूड बबल। तो देखिए कौन कौन से हिस्से हो गए हमारे एलिटेड असेंबली के अंदर, जो कि हमारी टॉप मोस्ट असेंबली है, इसमें एक वर्टिकल सर्किल ये हो गया, वर्टिकल सर्किल हमारा, वर्टिकल सर्किल क्लैंप स्क्रू। अब वर्टिकल सर्किल को भी क्लैंप करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ये वाला हम यूज करते हैं। टेलीस्कोप को भी क्लैंप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये। अब देखो वर्टिकल सर्किल क्यों कह रहे हैं इसको क्लैंप, क्योंकि टेलीस्कोप के साथ ही हमारा बर्नियर जुड़ा रहता है इसके अंदर, अगर हम इसको क्लैंप कर देंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली क्लैंप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टेलीस्कोप है, और ये हमारा क्या है, क्लैंप स्क्रू है, जो कि इस टेलीस्कोप को क्लैंप कर सकता है। टेलीस्कोप क्लैंप मतलब बर्नियर सर्किल क्लैंप। आगे देखें, एल्टीट्यूड बबल हो गई हमारी, एल्टीट्यूड बबल हमने अभी वही पढ़ा था, ये हमारी एल्टीट्यूड बबल है। बर्नियर आर्म्स देखें, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर आप पार्ट्स देख रहे होंगे, ये स्क्रू वाला, ये देखें यहाँ पर कुछ, ये चलेगा अभी यहाँ से अगर हम चलाना चाहें, देखो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखें ये एक चलने वाला पार्ट है, ये स्क्रू में बेशक, देखें यहाँ पर ये, यहाँ देखें जरा, दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा हमारा कट कट कर रहा है इसके अंदर, वो हमारा है बर्नियर आर्म, हमारी ये कहलाती है। तो बर्नियर आर्म यहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये हमारी बन लगी हुई है बर्नियर आर्म, ये हमारा लगा हुआ है क्लैंप स्क्रू, ये हमारी है टेलीस्कोप, ये हमारा है वर्टिकल सर्किल, यहाँ देख लो ये हमारी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रिविन एक्सिस वाला, ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर की जो है ये हॉरिजॉन्टल, ग्रीन कलर का बर्नियर सॉरी वर्टिकल सर्किल, और हमारी जो टेलीस्कोप यहाँ पर लगी हुई है। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करें इसके लास्ट में, टेलीस्कोप क्लैंप स्क्रू बर्नियर आर्म, ये सारे हमारे पार्ट्स हो गए। तो थियोडोलाइट को पढ़ने के लिए हमें बारीकी से समझना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक ही एनर्जी है। YouTube पर पढ़ाई में आप हमें मुखातिब नहीं हो सकते, अदरवाइज हम वही तुरंत बारीकी से पूछ रहे तो क्या भाई समझ में आया नहीं आया, आप नहीं पूछ सकते। तो आप लाइक करके बता दी, समझ में आ गया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि थियोडोलाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अभी हमने पढ़ाए हैं, कौन कौन से, इसका क्या काम है, इनके काम क्या हैं, इनके काम क्या हैं। अभी हमने सिर्फ ये सुना, बचपन में आपको जब पढ़ाया गया होगा तो आँख नाक कान गला सबसे पहले बताते थे, आँख नाक कान गला, उनके काम क्या है उसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो पहले वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सबसे पहले मैंने थियोडोलाइट में ये पढ़ाया कि इसके पार्ट्सों के नाम क्या हैं। अब वर्क के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।